हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। और कैसे गई आप सबकी दीपावली? मेरी दीपावली तो बहुत अच्छी गई है और आपकी भी बहुत अच्छी गई होगी, है ना? तो मैं आ चुकी हूँ यहाँ, मतलब रूम पर। तो कल रात में हम यहाँ आए और बिल्कुल भी तबीयत आने पे थोड़ा ऐसा हो जाता है, गैस जैसा बन जाता है, उल्टी उल्टी। तो बिल्कुल भी बीच में रास्ते में जो है वीडियो स्टार्ट करने का मन ही नहीं हुआ, तो मैंने नहीं किया। और मैंने सोचा वहीं पे जाके करूँगी, तो अभी मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। और मैंने सोचा आपसे बातें कर लेती हूँ। अभी हो चुकी है शाम, शाम के बचे हैं, बज रहे हैं 4:30। अब जाके मुझे टाइम मिला आप लोगों से बातें करने का। अभी बर्तन धो के आई हूँ और बेबी सो रहा है, नहीं तो वो बातें नहीं करने देता मुझे। और गाइस, आपको मेरे दीपावली ब्लॉग और गोवर्धन वाले कैसे लगे? और आप पता नहीं क्यों व्यूअर इतने कम आ रहे हैं उन वीडियो पे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिए, पिछली वीडियो वही है। और आप लाइक नहीं करते हो गाइस, बहुत से लोग तो देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब ही नहीं करते। तो क्या जाता है यार, इसमें ये बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता सब्सक्राइब करने में। आप कर दीजिए सब्सक्राइब और प्लीज़ यही कहना चाहूँगी आप लोगों से। और हाँ, आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली वालों के साथ शेयर कर सकते हैं वीडियो। तो बस मेरी यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि कर दीजिए प्लीज़। और अगर कोई यूट्यूबर मुझे देख रहा है तो प्लीज़ आप मेरी हेल्प कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूँगी। क्योंकि एक दूसरे की हेल्प करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम। मुझे बहुत सारे यूट्यूबर्स के कमेंट आए कि मैंने आपका वीडियो जो है सब्सक्राइब कर दिया है, तो मैंने भी उनका सब्सक्राइब कर दिया क्योंकि उन्होंने मेरा किया ही होगा, इसलिए उन्होंने मुझे कमेंट किया, तो मैंने उनका सबका चैनल सब्सक्राइब कर दिया। तो ऐसे ही हम सबके चैनल सब्सक्राइब करेंगे और वो हमारे सब्सक्राइब करेंगे। कभी कभी क्या होता है, हम तो कर देते हैं, उधर से कोई नहीं करता है, कोई रिस्पॉन्स आता ही नहीं है। और गाइज, आप कमेंट करके नहीं बता रहे हो कि वीडियो कैसी लग रही है, कि क्या कमी है क्या नहीं। और हाँ, एक बहुत बड़ी गलती मुझसे हो चुकी है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। जो मेरी पिछली वीडियो है दीपावली की, तो उसमें मुझे लिखना था गाँव, मैंने लिख दिया गायो। वो थोड़ी मुझसे थोड़ी क्या काफ़ी बड़ी गलती हो गई है। उसमें काफ़ी लोग जो है कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, गाय कहाँ है, गाय तो है ही नहीं आपकी वीडियो में, लेकिन मैं लिखना चाह रही थी गाओ और मैंने गायो लिख दिया। क्योंकि ससुराल में दिमाग जो है ना वीडियो पे नहीं था, कहीं और ही कामों में था इसलिए। और यहाँ पे सारा मतलब हमारा ध्यान होता है वो सारा वीडियो के ऊपर ही होता है। और ससुराल में ये काम वो काम, उधर से उसने आवाज़ लगाया, उधर से उसने आवाज़ लगाया, इसलिए गलती हो गई। प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, सॉरी। बहुत से दो तीन कमेंट आया कि गाय तो है ही नहीं आपकी वीडियो में, गाय है ही नहीं, क्योंकि मैं गाँव लिखना चाह रही थी और गायो लिख दिया। ये तो बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे, तो मुझे ये भी बोलना था, तो ये भी मैंने बोल दिया है। और गाइस, आप प्लीज़ 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 वीडियो देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पता नहीं क्यों बोलते बोलते मुझे सांस ऐसे होने लगता है, क्योंकि मैं कभी कभी जो है ज़्यादा ही भूल जाती हूँ, सांस नहीं लेती हूँ इसलिए। और बीच में सांस लेना बहुत ज़रूरी होता है। और गाइस, आपकी दीपावली कैसी गई मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। आपने कितनी मस्ती, कितना धमाल किया ज़रूर बताना। मैंने तो बहुत मस्ती की, गाँव गई थी, बहुत सारा काम भी किया, बहुत सारी मस्ती की और अच्छा अच्छा खाना पीना घूमना बहुत अच्छा हुआ। और मार्केट भी गई थी मैं, तो मार्केट का तो शूट नहीं कर पाई क्योंकि बेबी मेरा मेरे साथ था और मेरे सासू माँ भी, तो उनको अभी थोड़ा कैमरे से थोड़ा सा उनको लगता है कि अभी मैं नहीं आना चाहती। मैंने कहा चलो ठीक है, आपको जब अच्छा लगे आप तब आ जाना। मेरी सास को पता है कि मैं ये कर रही हूँ, उन्होंने मुझे बिल्कुल भी ये नहीं कहा कि हाँ तुम ये मत करो या ये गलत है, सबके सामने बिल्कुल नहीं बोला, करो जो करना है, बिल्कुल भी मना नहीं करती। वो तो ये भी नहीं बोलते कि हाँ तुम सूट पहन रहे हो, साड़ी पहनो या फिर तुम लेगी प्लाजो कुछ मत पहनो, नहीं। उठ गए बेबी आप, सपना देखा आपने, आ जाओ, मेरा बेटा सपना ही देखता है, आप ले जाओ, नहीं चले जाओ, ऐसे ऐसे मिल जाओ,
अभी वो सोया है तो उसकी नोजी वोजी लगी है। मुंह धोने के बाद इसको दिखाऊंगी क्योंकि अभी नोजी वगैरह लगी है। आ गई थी ना इसकी नोजी, ये देखिए बाबू शो के उठी है ना, इसलिए थोड़ी ऐसी हो रही है। मेरे बेटा नोजी वोजी सब लगी है सूखी हुई। इसका फेस धो दूंगी साफ हो जाएगा। बेबी कोई बेचने वाला आ गया है कुछ बाहर, प्लीज़ माइंड मत करना, आवाज़ आती रहती है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से। मैंने थोड़ा सा घर पे शूट किया था, वो आप लोग देख लीजिए, आगे आएगा मतलब आप लोग देख लीजिए वो मेरा वीडियो जो मैंने थोड़ा सा शूट किया था घर पे, तो देख लीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वाली वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, मिलूँगी आपको मेरी अगली वीडियो के साथ, अच्छी सी रेसिपी के साथ, अच्छे से ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून। और पूरी वीडियो वॉच करना और बिल्कुल भी मतलब स्क्रिप्ट मत करना, काट काट के मत देखना, मतलब पूरी की पूरी वीडियो देखना तभी आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रही हूँ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा बीच में से अगर आप देखोगे तो। चलिए मैं मिलती हूँ, बाय बाय। आप देख सकते हैं टंकी वंकी ये सामान वगैरह, ये भैंस के खाने का कुछ है पशु आहार, और आंखों में प्यास लग रही है। और अभी मैंने जो है नहाया नहीं है तो मेरे को बगैर ठीक है, ऐसे ही आ गई हूँ आप लोगों के सामने खाना बनाने जा रही हूँ। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। तो ये देखिए, ये है आलू और घिया लौकी, मतलब वही बनाने जा रही हूँ। और टमाटर को मैंने कट कर लिया है और प्याज को मैंने कट कर लिया है। और चलिए अभी मैं बाहर लगाने की तैयारी करती हूँ। और माइंड मत करिएगा प्लीज़ गाइस मेरे फेस को, क्योंकि ससुराल में बहुत ही ज़्यादा काम होता है और आज हमें वापस जाना है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ मेरे मम्मी पापा जी के लिए खाना बना के जाऊँ। तो इसलिए मैं बना रही हूँ क्योंकि उनको बनाना ना पड़े शाम को, क्योंकि वैसे तो वो बनाते ही अपने लिए, बनाना ना पड़े इसलिए मैं बना के जा रही हूँ खाना। तो आलू भी बना दूँगी, सब्जी और रोटी बना दूँगी। चलिए बना लेती हूँ मैं खाना। चलिए लगा लेते हैं बघार सब्जी में, आपको दिखा दूँ।
डाल दिए हैं मैंने इसके अंदर। अभी डालूंगी नमक। अंदर पानी डाल दिया है मैंने, अब इसका ढक्कन लगा के इसको रख देंगे पकने के लिए, छोड़ देंगे। गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर माय वाचिंग।